Audio Jungle. ठीक है, नमस्कार। एबी न्यूज की टीम वार्ड नंबर 15 जो रामकोला पश्चिम में है, यहाँ से एक जिला पंचायत सदस्य के रूप में है अशोक पांडे जी। आइए हम लोग जानते हैं कि यह इनका क्या मैनिफेस्टो है और किन बिंदुओं के आधार पर ये जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, मैं अशोक पांडे वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा प्रमुख मुद्दा है जनता से कि 15 नंबर वार्ड की जनता, जिसको हमेशा पुलिस प्रशासन के लोग, जैसे गरीब लड़की के घर में शादी है, अपने खेत में पेड़ काटता है और पुलिस प्रशासन के लोग आके प्रताड़ित करते हैं और 1000-2000 लेने के बाद वो सही हो जाता है, उस पुलिस प्रशासन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की गलतफहमी का काम 15 नंबर वार्ड में मत कीजिएगा, नहीं तो इतनी भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। दूसरी बात, मेरा 15 नंबर वार्ड के जनता से निवेदन है कि गरीब से गरीब लड़की या लड़का हो, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे ना हो, शिक्षा के लिए एडमिशन के लिए पैसा ना हो, हमारे मित्र ओम प्रकाश साहनी की डिग्री कॉलेज है, उसमें एडमिशन फीस भी मैं दूंगा, कॉपी किताब भी मैं दूंगा और परीक्षा शुल्क नहीं रहेगा तो वो भी मैं देने का काम करूँगा। ये जो अभी आप सहायता की बात कर रहे हैं तो स्व कोष से देंगे या गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं नहीं, मैं चंदा मांग के दूंगा, अपने पास से दूंगा। मैं गरीब बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उन समाज को शिक्षित बनाने के लिए मैं उतरा हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो। मैं सारे जाति के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, धर्म संप्रदाय लिंग से ऊपर उठ करके आप कार्य करें। हाँ, मैं सबका साथ सबके विकास की बात करता हूँ। मैं अंतिम तौर पे क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से यही अपील करूंगा कि 29 तारीख को मतदान है, 29 तारीख को कलम दवात पे मोहर लगा दीजिएगा, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरे चुनाव चिन्ह पे मोहर लगा दीजिएगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीट पे टिकट नहीं दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से बागी जरूर हूं लेकिन दागी नहीं हूं, मैं यही जनता से कहना चाहता हूं। ये रहे हमारे साथ अशोक पांडे सर, जिन्होंने बताया कि बागी हूं लेकिन दागी नहीं हूं, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर अपना स्टैंड लेना चाहिए और ऐसे प्रत्याशी को मैदान में लाना चाहिए ताकि एक बड़ी परिवर्तन देखा जा सके। सर, और कुछ बोलना चाहते हैं? मैं 2002 से अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किया। एक मोहन मुंडेरा गांव में एक कांड हो गया था, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में 21 साल तक कंटिन्यू पंडित राम नगीना मिश्रा जी, पंडित गुड्डू पांडे जी, पंडित विजय कुमार दुबे जी, आदरणीय अतुल सिंह जी, शंभू चौधरी जी जैसे लोगों के विधायकी और सांसदी में जीत की अग्रिम भूमिका तक मैंने पहुंचाने का काम किया। लेकिन 21 साल के पसीने पर चंद रुपयों के लिफाफे कुछ नेतों पे भारी पड़ गए, जिसने मेरा टिकट कटवा दिया। चलिए, धन्यवाद।